आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो भी डबलिंग अपडेट की है यूसुफपुर से गाजीपुर सिटी तक, जो कि बलिया वाराणसी से ही डबलिंग में एकमात्र बचा हुआ सेक्शन है 20 किलोमीटर का। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं यूसुफपुर रेलवे स्टेशन से और हम लोग सिंगल लाइन पे आ रहे हैं, जो डबल लाइन यहाँ पे एंड होती है। उसके बाद हमारी ट्रेन है 15551 दरभंगा वाराणसी सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस, जो कि पूरी खाली ही है आगे पीछे हर जगह। तो ये वाली डबल लाइन है जो अप मेन लाइन रहेगी और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। डबल लाइन होने के बाद सिग्नल वो वाला चालू हो जाएगा। फिलहाल ये है क्योंकि ये इकलौती सिंगल लाइन है, ये मेन लाइन है। तो यहाँ पर यूसुफपुर के बाद भी कुछ दूर तक ट्रैक्स पे बैलास्ट डल गया है। पिछली वीडियो में आपने देखा तो बैलास्ट नहीं था यूसुफपुर के बाद, और कई जगह ट्रैक्स भी नहीं थे शाबाश के लिए तक। तो आगे देखते हैं ट्रैक्स बिछी हैं या नहीं, और ऊपर वायरिंग भी देख सकते हैं आप हो चुकी है। और धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है और सामने न्यू लाइन पर एक फ्रेट ट्रेन भी है, जो कि वो बैलास्ट वाली ही है। जिसका लोगो है WDG4 इज्जत नगर का, ये बैलास्ट वाली। तो ये ट्रेन यहीं तक थी और इसके बाद भी आगे ट्रैक है, बैलास्ट है। और यहाँ पर बैलास्ट नहीं है अब, वहाँ पर ट्रैक था बीच में, देखा स्लीपर भी नहीं था तो बैलास्ट भी नहीं है। यहाँ से भी ट्रैक्स तो थोड़ा काम बाकी है, ऊपर वायर तो हो गया है।
और यहाँ पे फिर ट्रैक से गायब हैं। तो जैसा बताए थे पिछले वीडियो में भी ऐसा ही था, कुछ दूर तक ट्रैक्स भी नहीं थे, स्लीपर भी नहीं थे यूसुफपुर से शाबाजकुली तक, और अभी भी वही हाल है। हालांकि कुछ दूर तक ट्रैक्स बन गई हैं तो उस पर बैलास्ट भी डाल दिया गया है और उस पर ट्रेन भी चली है और फिर से ट्रैक वापस आ रही है। और यहाँ पर JCB आपको शाबाजकुली का ओम सिग्नल दिख रहा होगा जो कि ग्रीन है, तो इसका मतलब हम लोग स्किप करने वाले हैं शाबाजकुली को अब। और शाबाजकुली के पास आप देखेंगे तो यहाँ भी ट्रैक्स बिछी हैं और उस पर बैलास्ट डाला गया है। यहाँ प्लेटफॉर्म 1 से कनेक्शन हटा दिया गया है शाबाजकुली पे। और इसको भी शायद ओल्ड बना रहे हैं, इसकी वजह से कोई क्रॉसओवर और पॉइंट का काम इधर नहीं हो रहा है। और जो कनेक्शन था भी मेन लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहले, उसको भी अब हटा दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रैक उखाड़ दी गई थी, ये ट्रैक आगे कंटिन्यू होगी, कोई पॉइंट वॉइंट का काम नहीं हो रहा है इधर। और शाबाजकुली के बाद तो ट्रैक को अच्छे से मतलब पहला से डाल दिया गया है, ट्रैक को फिट किया गया है। यहाँ पे वायरिंग अभी फिट नहीं हुई है। ट्रैक को फिट करने वाली TMC मशीन खड़ी है न्यू ट्रैक का। फतेहपुर अटवा रेलवे स्टेशन जो कि बन चुका है, सेकेंड प्लेटफॉर्म भी इसका बन गया है, ट्रैक्स भी फिट लग रही हैं, वायरिंग कम्प्लीटली नहीं हुई है, ओल्ड स्टेशन था। ब्रिज आने वाला है जो गाजीपुर घाट और फतेहपुर अटवा के बीच में पड़ता है, वो भी बन गया है। वैसो नदी पे नदी का लेवल भी बढ़ गया है।
वायरिंग वाली ट्रेन खड़ी है न्यू ट्रैक को ब्रिज के पास, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग अभी हुई नहीं है थोड़ी सी भी। पोल्स हैं, पोल्स कुछ पोल्स में कैटेनरी भी नहीं है और यहाँ तो पोल्स भी अभी सही से फिट नहीं हुए हैं। और ट्रैक यहाँ पे ख़त्म हो गई है क्योंकि ट्रैक अब आ गई है इस साइड। जैसे ट्रैक अभी बिछी नहीं है, स्लीपर ही है। हम लोग आज पहुँचे हैं गाज़ीपुर घाट रेलवे स्टेशन, जो नया बनेगा वो इस साइड बनेगा। उसका आप एंट्रेंस गेट वो देख रहे होंगे, बिल्डिंग स्टेशन बिल्डिंग गाज़ीपुर घाट की, उसके इस जो न्यू लाइन है उसके बगल में एक प्लेटफॉर्म होगा। उधर सब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज के पिलर्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। छोटे ब्रिज हैं दाढ़ी घाट से जो लाइन आ रही है उनके लिए, और बड़े ब्रिज का एक वो भी है। तो इस साइड नया घाट रेलवे स्टेशन होगा गाज़ीपुर घाट, और आगे ही पुराना वाला है। ये एक पुराना वाला गाज़ीपुर घाट होल्ड, ये ट्रैक जैसा कि आप सभी जानते हैं दाढ़ी घाट की ओर जा रही है। जो बलिया से ट्रेनें आएंगी दाढ़ी घाट की ओर जाना होगा वो इधर से जाएंगी। ताड़ी घाट से ट्रेनें गाज़ीपुर सिटी की ओर आएंगी वो इस तरफ से आएंगी, उसके लिए ब्रिज बन रहा है, अभी काम चल रहा है इस पर। और इधर ही से ट्रैक सीधा गाज़ीपुर सिटी को जाएगी। तो इस साइड भी न्यू ट्रैक पर फ्रेट है बेलास्ट वाली, और काम होने के चलते यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पोल्स तो लगे हैं, पोल्स पे कैटेनरी नहीं है, वायरिंग तो अभी है ही नहीं। और इस फ्रेट को हॉल कर रहा है WDG-40, ये भी इज्जत नगर का है जो कि अभी बंद है। Thank you.
हम लोग पहुंच रहे हैं गाजीपुर सिटी की तरफ। देखेंगे तो सेकेंड ट्रैक या डबल ट्रैक पे अभी बोल्स फिट नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, अभी डाला गया है। और आज है अगस्त 25, तो मेरे को नहीं लगता कि 1 सितंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि सितंबर महीने के अंत तक उम्मीद कर सकते हैं या उससे पहले भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और काम कंप्लीट होने के बाद बलिया से वाराणसी तक पूरा डबल लाइन होगा, बलिया वाराणसी, और सातवार से बलिया भी डबल लाइन है ही, तो पूरा सातवार से वाराणसी तक डबल लाइन होगा। और सातवार से आगे आप लोगों ने देखा ही है कितना काम हुआ है, उसमें तो और समय लगने वाला है। तो यहाँ से तो गाजीपुर सिटी शुरू हो जाता है और ये सब ट्रैक अब यूज़ में है। जो ट्रेनें 2, 3, 4, 5 से आती हैं वो इसी ट्रैक के थ्रू मेन लाइन पे आ जाती हैं, ये पॉइंट के थ्रू, और जो डबल लाइन के बाद वो सीधे जाया करेंगी। तो यही था वीडियो डबलिंग अपडेट का। यूसुफपुर से गाजीपुर सिटी तक का हमारी ट्रेन थी 15551, दरभंगा वाराणसी सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस, जो कि पूरी खाली ही चलती है और आप देख सकते हैं पूरी खाली है ट्रेन, कोई नहीं है इस साइड में। हम लोग पहुंच रहे हैं गाजीपुर सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे अपडेट्स के लिए।